हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज़ यू नो, हमारी एथिक्स की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में अभी हमारा यूनिट 3 चल रहा है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इंटेग्रिटी जो है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फाउंडेशन वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज में। अब अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ये कहाँ से आ गया हमारे सिलेबस में, तो देखेगा हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था, यूनिट पढ़ी थी, उसमें हमने फाउंडेशन वैल्यूज पढ़ी थी। तो उसमें सारी मेन वैल्यूज जो एक पब्लिक सर्वेंट में होनी चाहिए वो तो हम स्टडी कर चुके थे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी वो हमने वहां नहीं पढ़ा था। तो क्यों नहीं पढ़ा था समझेगा, एक्चुअली जैसे अब जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें एक टॉपिक होता है, डेट इज गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन, ठीक है, हिंदी वर्ड है। अब गवर्नेंस का मतलब क्या होता है समझेगा, जैसे हमारी गवर्नमेंट रहती है, अब गवर्नमेंट का काम क्या होता है भाई, कंट्री को रूल करना, या फिर अगर हम कहें रूल तो रूलर्स करते हैं, गवर्नमेंट का काम होता है सिटीजंस को सर्व करना, और जब वो अच्छे से ये काम करती है तो इसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं। अगर हम बात करें गुड गवर्नेंस की तो इसके पिलर्स होते हैं रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून जो है उसके अनुसार सारा प्रोसीजर जो है फॉलो करना, ट्रांसपेरेंसी, जो भी सरकार कर रही है वो एकदम खुला हो, पारदर्शी हो, सबको पता हो कि सरकार क्या कर रही है, पार्टिसिपेशन भाई एज सिटीजन्स या फिर एज स्टेट गवर्नमेंट्स, सबका रोल क्या होता है, पार्टिसिपेट करना होता है। हम कोई क्या कहते हैं ऑटोक्रेसी में नहीं है, हम डेमोक्रेसी में है। डेमोक्रेसी मतलब ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो यहां पर मेन चीज क्या हो जाती है, पार्टिसिपेशन, कि सभी लोग क्या करें इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए पार्टिसिपेट करें। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जो भी गवर्निंग पर्सन है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो या कोई भी हो, सबके सब क्या है, अकाउंटेबल है। क्योंकि एक चीज समझेगा, 125 करोड़ का जो हमारा देश है इसके लिए जो काम करना होता है, तो एक पर्टिकुलर नंबर की क्या कहते हैं गवर्नमेंट बनाई जाती है, लोकसभा राज्यसभा होती है और इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, 125 करोड़ लोगों का जो भविष्य है कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं। तो जब ये ऐसा करते हैं तो इनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं जिनका इनको क्या करना होता है, यूज करना होता है, और अगर वो यूज गलत हो तो इसके लिए वो क्या है, अकाउंटेबल है। सस्टेनेबिलिटी, आई गेस कोरोना में ये चीज तो बड़े अच्छे से क्लियर हुई कि कितने ही नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हो, हमें क्या करना आना चाहिए, सस्टेन करना आना चाहिए। और भी कई सारी चीजें गुड गवर्नेंस में आती है, बट इसी का रिवर्स होता है बैड गवर्नेंस, जिसमें बात आती है जैसे इनएफिशिएंसी, मतलब काम ही ना करना, सिर्फ और सिर्फ काम को क्या करना, डिले करना। रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म मतलब सपोज कोई कंपनी है, वो कोई पावर प्लांट खोलना चाह रही है, तो उसको पावर प्लांट खोलने के पहले इतने सारे पेपर वर्क में उलझा देना कि वो या तो रिश्वत दे दे या फिर वो प्लान ही क्या करे, छोड़ दे। माल एडमिनिस्ट्रेशन यानी खराब एडमिनिस्ट्रेशन करना, करप्शन या सीक्रेसी, सीक्रेसी आई गेस पीएम केयर फंड अभी उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें लोगों ने लगातार क्वेश्चन करा कि हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है कि पीएम केयर फंड में जो पैसा आ रहा है वो एक्चुअली कहाँ यूज हो रहा है, तो ये क्या है, सीक्रेसी है। अब इस तरह की चीजें जो है किसको डिनोट करती है, बैड गवर्नेंस को डिनोट करती है, क्योंकि इससे जो सिटीजन्स का ट्रस्ट है वो गवर्नेंस के ऊपर से क्या हो जाता है, हट जाता है। सो इसीलिए आप पढ़ते हैं यूपीएससी में गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस जो है इसके बहुत सारे पिलर होते हैं, जैसे हर डिसीजन में जनता की सहमति होनी चाहिए, इसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर रिस्पॉन्स होना चाहिए, सिटीजन्स का क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये तीन आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी कोई भी सजा दे दी जाए बिना किसी लॉ के, बिना किसी रीजन के। इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब भाई जो गवर्नमेंट है, जो कंट्री रन कर रही है, वो कोई अपनी जेब से तो रन कर नहीं रही है, इट इज टैक्स पेयर्स मनी, ये हमारा ही क्या है, पैसा है, तो इसका यूज कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। इसके अलावा इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव,
ये आप जो है जब इकोनॉमी आप पढ़ेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में इंक्लूसिवनेस आप पढ़ेंगे, यानी सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेकर चलना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, गुड गवर्नेंस का पार्ट होती है। बट इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स माने जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, और यही क्या करे गए हैं, हमारे सिलेबस में ऐड करे गए हैं। तो गुड गवर्नेंस एक मेजर टॉपिक होता है जिसके दो सब टॉपिक्स है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, और वो हमारे आज के सेशन का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इस टर्म से आप क्या समझते हैं, तो देखिए आपके सामने एक स्टेटमेंट है और एक स्लाइड है, जरा इसको देखिए और मुझे बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है। तो आप कहेंगे सर विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो हम सब जानते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो देखिए असल में स्पाइडरमैन जो फिल्म थी उसमें ये जो स्टेटमेंट था इसका बहुत इनडेप्थ मीनिंग था। इनडेप्थ मीनिंग मतलब कैसे, जैसे स्पाइडरमैन है उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स थी, अब उन पावर्स के कारण क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें उसके सामने एक पर्सन चोरी कर रहा था, तो उसे उसे पकड़ना था, पर स्पाइडरमैन उसको नहीं पकड़ता है और वो खुश हो जाता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपने बारे में सोच रहा हूं ना कि किसी और के बारे में। पर बाद में जो है वही क्रिमिनल क्या करता है, स्पाइडरमैन के अंकल को मार देता है। तो इसलिए कहा जाता है विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं जो आपको निभानी पड़ेगी। पर सर हम ये सब क्यों समझ रहे हैं, तो हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी वो असल में इसी की बात करता है। तो देखिए ये हमारा इंडेक्स है कि हम कैसे डील करेंगे इसको। तो पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे अकाउंटेबिलिटी का, फिर टाइप्स पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वेज ऑफ इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी पढ़ेंगे और ट्रांसपेरेंसी जो है उसको भी इंश्योर करने के वेज पढ़ेंगे। तो इससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अब अकाउंटेबिलिटी का जरा एक फेमस कोटेशन देखिए क्या होता है, जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहां पे कोटेशंस जो है यूज करना बहुत नेसेसरी होता है। अ बॉडी ऑफ मेन होल्डिंग देमसेल्व्स अकाउंटेबल टू नोबडी आउट नॉट टू बी ट्रस्टेड बाय एनीबडी, जो किसी को भी क्या हो अकाउंटेबल ना हो, जो किसी को भी जवाबदेह ना हो उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, थॉमस पेन का ये स्टेटमेंट है। तो ऐसा क्यों, अब मुझे बताइए जो गवर्नमेंट है वो उसके पास ढेर सारी पावर्स है, पर अगर गवर्नमेंट लोकसभा में आंसरेबल नहीं है तो मुझे बताइए क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं उस गवर्नमेंट पे, डेफिनेटली नॉट। यही की यही बात थॉमस पेन जो है कह रहे हैं। ऐसे कोटेशंस आप एग्जाम में मेंशन करते हैं तो इससे अच्छी मार्किंग होती है आई गेस। अब सबसे पहले व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि आखिर अकाउंटेबिलिटी जो है इसकी जरूरत क्या है। तो समझिए भाई जो राइट्स है पब्लिक सर्वेंट्स के वो लगातार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ क्या अडॉप्ट कर लिया है 1950 के बाद, पब्लिक वेलफेयर को अडॉप्ट कर लिया है। मतलब जो हमारे यहाँ पीपल मेन स्ट्रीम से पीछे रह गए हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमने पब्लिक वेलफेयर अडॉप्ट करा है, जिसके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बहुत सारी क्या मिली है, पावर्स मिली है ताकि वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। पर ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है जिनमें डिसीजन वो खुद लेते हैं, ये पावर्स का क्या हो सकता है, इनका मिसयूज भी हो सकता है। और यही मिसयूज जो है ये कब होता है, जब आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ना हो। व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे आप जब गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो मुझे बताइए आपको क्या देखने को मिलता है, आप ये देखते हैं कि एक पर्सन से जब आप कहते हैं कि सर इस पे साइन कर दीजिए, तो वो ये नहीं कहता कि वो साइन क्यों नहीं कर रहा, वो ये कहता है कि आप उस फलाना व्यक्ति का पहले साइन लेकर आओ। नोबडी वॉन्ट्स टू हेल्ड अकाउंटेबल। हमारे सिस्टम में होता क्या है, सब लोग बस ब्लेम करना चाहते हैं। देखिए जरा अगर पूछा जाए कि आप ब्लेम करना पसंद करेंगे किसी को किसी काम के लिए, तो सब लोग क्या कह देंगे, हाँ कह देंगे। बट वहीं ऑन द सेम हैंड अगर पूछा जाए कि क्या आप जिम्मेदारी लेना चाहोगे, तो मैक्सिमम लोग क्या कर देंगे, मना कर देंगे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एज अ सिविल सर्वेंट आपको क्या करना है, आपको अकाउंटेबिलिटी लेना है, क्योंकि तभी क्या होगा, तभी आप सिस्टम में एक चेंज ला पाएंगे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं और बताना चाहूं तो जैसे नायक फिल्म थी अनिल कपूर की, उसमें सीन था
जिसमें अनिल कपूर जो है एक कॉलेज जाते हैं, क्योंकि कॉलेज की जो गर्ल्स उन्हें कंप्लेन करती हैं कि वहां गुंडे हमें लगातार छेड़ रहे हैं। तो उस समय जो है जब अनिल कपूर पुलिस ऑफिसर्स को क्वेश्चन करते हैं तो सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि हमें कमिश्नर साहब से परमिशन नहीं थी, कमिश्नर साहब कहते हैं कि मिनिस्टर साहब से परमिशन नहीं थी। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है नोबडी वांट्स टू हेल्ड अकाउंटेबल, और अगर ऐसा रहेगा तो जो पब्लिक है उसको आखिर एडमिनिस्ट्रेशन सर्व कैसे करेगा? ठीक है, मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या होता है? अब कुछ बुक्स में इसकी डेफिनेशन जो है सही से मेंशन नहीं है, इसलिए इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। इट मीन्स अ ऑब्लिगेशन ऑन अ पर्सन हु हैज अ डिस्क्रिशनरी पावर टू गिव अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। मतलब जैसे सपोज मेरे पास अगर कोई पावर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप जो है मैं उसका इंचार्ज हूँ। ठीक है, अब फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप में क्या होता है, मुझे फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डेफिनेटली मैं सबको एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकता, मैं सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मुझे बताइए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं हिंदूज को पहले फूड दे दूं, फिर उसके बाद मुस्लिम्स को दूं, फिर सिक्स को दूं, फिर क्रिश्चियंस को दूं? डेफिनेटली नॉट। ये पूरी तरह से क्या है, सरासर गलत है। इवन क्यों गलत है, क्योंकि इसका मेरे पास क्या है, कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर मेरे पास नहीं है। तो यहीं पर क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी काम आती है, क्योंकि आपके पास जो पावर्स हैं उन पर आपको क्वेश्चन किया जाता है, और अगर उनका आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देते हो तो क्या हो सकता है, आपको जो है पनिश भी किया जा सकता है। दैट इज अकाउंटेबिलिटी विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन आर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अकाउंटेबल हो और वो ऐसे वर्क करे कि वो उसका एक रीजनेबल आंसर जो है फ्यूचर में दे पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कहे मैंने पहले बच्चों को फूड दिया क्योंकि बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, उसके बाद मैंने वुमेन को दिया, उसके बाद मैंने ओल्डर पीपल को दिया, और लास्ट में जो है मैंने हेल्दी मैन जो है उनको फूड सप्लाई करा। तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो एज आई सेड एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, एक बच्चा है उसकी एक मिड डे मील स्कीम में क्या हो गई, खाने से मौत हो गई। अब मान लीजिए आप उस मील के क्या हैं, उस मिड डे मील स्कीम के इंचार्ज हैं, तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, और अगर क्वेश्चन का आपने प्रॉपर आंसर नहीं दिया गया तो क्या होगा, आपके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाएगी और आपको इमीडिएटली क्या करा जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। डेट इज अकाउंटेबिलिटी। तो अगर आपसे अकाउंटेबिलिटी क्या है पूछा जाता है तो आपको ये मेंशन करना चाहिए विद एग्जांपल, क्योंकि आई गेस यू नो कि एग्जांपल से क्या होते हैं, मार्क्स जनरेट होते हैं। चलिए इसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए एज आई सेड हमारा सिस्टम कैसा है, Everyone wants to just blame another. तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, किस किस तरह की अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए? तो फर्स्ट है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब जैसे हम बात करते हैं हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस की, तो मुझे बताइए हमारे पॉलिटिशियंस किसको आंसरेबल है? डेफिनेटली वो लोकसभा को आंसरेबल है, क्योंकि लोकसभा क्या है, लोकसभा उन रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनती है जिन्हें मैंने और आपने क्या करा है, इलेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद इन पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के किसकी बनती है, तो इलेक्शन कमीशन की बनती है। तो इलेक्शन कमीशन क्या है, हम सिटीजंस की तरफ क्या है, अकाउंटेबल है कि वो क्या करे, वो इम्पार्शियल जो है तरीके से इलेक्शन करा के डेमोक्रेसी जो है उसकी सक्सेस को क्या करे, अचीव करे, इंश्योर करे। ठीक है, तो ये हम सिटीजंस की तरफ क्या है, अकाउंटेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को मुझे बताइए कैसा होना चाहिए। डेफिनेटली उनके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो क्या हैं, वो भी अकाउंटेबल है किसके प्रति, तो वो हैं लोकपाल, लोकायुक्त या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो करप्शन पे डील करती है, इनकी तरफ वो क्या है, अकाउंटेबल है। अब इसके अलावा अगर हम कैरेक्टर पे बात करें तो अकाउंटेबिलिटी या तो हायर अकाउंटेबिलिटी होती है या हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी होती है। नाम से ये क्लियर है, हायर मतलब आपसे ऊपर।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव हूं सपोज, तो मैं किसकी तरफ अकाउंटेबल रहूंगा, मैं अपने जो स्टेट मिनिस्टर है उसकी तरफ अकाउंटेबल रहूंगा। स्टेट मिनिस्टर किसकी तरफ अकाउंटेबल होंगे, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं मिड डे मील स्कीम का, तो मिड डे मील स्कीम में मैं क्या हूं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव हूं, तो मैं स्टेट मिनिस्टर की तरफ अकाउंटेबल रहूंगा। स्टेट मिनिस्टर किसकी तरफ अकाउंटेबल होंगे, वो भाई जो फूड डिपार्टमेंट है उसके जो मिनिस्टर है कैबिनेट मिनिस्टर, वो उसकी तरफ अकाउंटेबल होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर किसकी तरफ अकाउंटेबल होंगे, तो वो जो है मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की तरफ अकाउंटेबल होंगे। एंड फाइनली चीफ मिनिस्टर किसके लिए अकाउंटेबल है, तो चीफ मिनिस्टर हमारे लिए अकाउंटेबल है क्योंकि हमारा कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेसी है, ठीक है। हायर के बाद हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल। अब इसका अगर मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो वो होगा लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन दोनों की एक दूसरे के लिए अकाउंटेबिलिटी। अब इसको अभी हम डिटेल में तो क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जहां पर ये इसमें डिटेल आती है, बट एक शॉर्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे इंदिरा साहनी केस था, तो इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ, जो जुडिशरी थी उन्होंने क्या करा, उन्होंने लेजिस्लेचर जो था यानी जो कानून बनाने वाली हमारी लोकसभा राज्यसभा है, उनके डिसीजन को क्वेश्चन करते हुए क्या कहा कि रिजर्वेशन 50% ही जाएगा और उसमें बैकलॉग वैकेंसीज जो है वो भी 50% के अंडर आएगी। पर बाद में क्या कहा हुआ, जो लेजिस्लेचर है उसने फिर से क्या करा, जुडिशरी की बात को काटा और कहा कि बैकलॉग वैकेंसीज जो हैं वो 50% कोटे के बाहर जाएंगी। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं 77th और 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, वहां आपको इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी इंदिरा साहनी केस की, ठीक है। और इंदिरा साहनी केस आप बैरक वगैरह में भी देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी बताता है, जो बताता है कि लेजिस्लेचर जुडिशरी को अकाउंटेबल है और जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल है, बोथ आर अकाउंटेबल टू ईच अदर, ठीक है। इसके बाद लीगल अकाउंटेबिलिटी, मुझे बताइए एड एस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, क्या आप लॉ जो है उसके अगेंस्ट काम कर सकते हैं, डेफिनेटली नॉट भाई। एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आपको हमेशा क्या करना है, लॉ को फॉलो करना है भाई। फॉर सपोज अगर मैं बात करूं, आप एक पुलिस ऑफिसर है तो आप क्या किसी भी सिटीजन को गोली मार सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ गोली कब मार सकते हैं, जब उस सामने वाले पर्सन ने क्या करा हो, कोई ना कोई क्राइम किया हो। ऐसा क्यों, तो आई गेस आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 पढ़ा होगा। सो आर्टिकल 21 क्या कहता है, एनीवन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ओनली इफ ही हैज डन वॉयलेशन ऑफ लॉ। मतलब किसी ने अगर कानून तोड़ा है तभी उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी छीनी जा सकती है। तो अगर आप किसी को गोली मारते हो बिना किसी क्राइम के, तो आप क्या हो जाओगे, लीगली अकाउंटेबल। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सोशल अकाउंटेबिलिटी, मुझे बताइए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो किसके लिए काम करते हैं भाई, वो आपके और हमारे लिए काम करते हैं ना। तो हम क्या हैं, हम सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो वो हमारे लिए सोसाइटी के लिए यानी समाज के लिए क्या हैं, अकाउंटेबल हैं कि वो ईमानदारी से अपना काम करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एथिकल अकाउंटेबिलिटी, एथिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब देखिए जैसे इंटीग्रिटी में अगर आपने याद हो तो मैंने बताया था, व्हेन नो वन इज वॉचिंग कंसाइंस इज द ओनली जज, जब कोई नहीं देख रहा हो तब आपकी जो अंतरात्मा है वही क्या है, वही असली जज है। तो एथिकली भी आप क्या है, अकाउंटेबल है। वो आपने स्टेटमेंट सुना हो कि भाई अगर आप कुछ गलत करोगे भले ही आपको कोई सजा ना मिले, बट उस केस में भी आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको सोने नहीं देगी। तो यही क्या है, एथिकल अकाउंटेबिलिटी है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो विद एग्जांपल आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एंड आई गेस हम इतनी सारी चीजों में डील कर चुके हैं कि आप ये बहुत इजीली समझ लेंगे। फर्स्ट, टारगेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक स्कीम्स, मतलब जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका क्या हो, टारगेटेड रूप में इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है। मतलब एज सिविल सर्वेंट आपको गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराना है, ठीक है। ऑनेस्टी इन पब्लिक सर्वेंट्स ड्यू टू फियर ऑफ पनिशमेंट, जो पब्लिक सर्वेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। रिस्ट्रेन करप्शन नेपोटिज्म रेड टेपिज्म, आपको करप्शन नहीं करना है, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद नहीं करना है, और रेड टेपिज्म
लोगों को जो इररिलेवेंट पेपर वर्क है उसमें उलझा के काम को डिले नहीं करना है। कॉशन एंड एक्यूरेसी इन पब्लिक सर्वेंट्स फॉर देयर वर्क। भाई आपको अपने काम में एज अ सिविल सर्वेंट एक्यूरेट रहना है, ठीक है। साउंडनेस इन फंक्शनैलिटी एंड डिविजन ऑफ वर्क। जो आपका काम होगा एज सिविल सर्वेंट उसको आपको प्रॉपरली करना है और वर्क को हमेशा क्या करना है, डिवाइड करके करना है। ऐसा नहीं कि सारी पावर्स मैं यूज करूंगा वगैरह वगैरह। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। आपको अपने डिपार्टमेंट में क्या रखना है, तालमेल रखना है प्रॉपर। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी रखना है, मतलब आप जो भी वर्क कर रहे हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो वर्क हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दूसरों को भी पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, सोचिए। तो जो जनता है उसका जो विश्वास है वही क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, ठीक है। ग्रेटर ट्रस्ट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। भाई अकाउंटेबिलिटी जो है वो इसलिए भी जरूरी है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सोसाइटी है दोनों में क्या रहे, ट्रस्ट बना रहे। एक्यूरेट टेस्टिंग ऑफ वर्क एंड टर्मिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस। भाई जो भी वर्क हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, एज आई सेड, ये किसका पैसा है, तो ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो इसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर इसकी टेस्टिंग होना चाहिए कि ये अगर सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। एज आई सेड, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स कैसे होने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उसमें कोई भी चीज छुपी हुई नहीं होना चाहिए और पेपर वर्क में आपको लोगों को नहीं उलझाना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड वेलफेयरिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और वेलफेयरिस्टिक होना चाहिए। वेलफेयरिस्टिक मतलब भाई एज सिविल सर्वेंट आपको क्या करना है, तो आपको सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करना है। आई गेस आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट, वेज ऑफ इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। कि किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में हम इंश्योर करें, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, मोर एंड मोर यूज ऑफ आरटीआई। भाई राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा होगा तभी क्या होगा, सरकार बार बार क्या होगी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बार बार क्या होंगे, जवाब देंगे, और जो जवाब देंगे वो, तो उनको भी फियर रहेगा कि नेक्स्ट टाइम से हमें काम प्रॉपर करना है ताकि हमसे क्वेश्चंस ना पूछे जाए। अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स थ्रू सिटीजन चार्टर। अब सिटीजन चार्टर जो है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कहां, करप्शन में। भाई हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो करप्शन की रहेगी, जिसमें हम सिटीजन चार्टर को डिटेल में डील करेंगे। अभी के लिए समझिए कि एज सिटीजन्स हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं जो हमें पता भी नहीं है, और ये सब जो है इंडिया में भी मेंशन है कहां पर, सिटीजन चार्टर में। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। रेगुलर इंस्पेक्शन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब समझिए टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे यहाँ बहुत एडवांस हो चुकी है। अगर आप कहीं पर नहीं भी हैं तो भी आप क्या कहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इस तरह के जो रिसोर्सेस हैं इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं। तो इससे क्या होना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन जो है होना चाहिए, या कंप्लेन प्रोसेस भी जो है इससे चालू की जा सकती है। बाय ब्रिंगिंग द नेसेसिटी ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क विद इन द स्टिमुलेटेड टाइम फ्रेम। अब इसको जरा समझिए, जो भी काम एज पब्लिक सर्वेंट आपको मिलता है वो क्या होना चाहिए, उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें वो काम कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे एक प्रेशर रहेगा प्रॉपरली अकाउंटेबल तरीके से काम करने का। जो हमारी फंक्शनिंग है प्रेजेंटली बैंक्स की वो ऐसे ही होती है। अगर आप बैंक्स में ध्यान देंगे तो जो आपको अटेंड करते हैं उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है 15 मिनट का, 20 मिनट का, जिसमें उन्हें आपकी इंक्वायरी क्या करनी होती है, फिनिश करनी होती है। और अगर वो नहीं करते हैं तो दे आर अकाउंटेबल, उन्हें आंसर देना पड़ता है कि 15 मिनट में उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं फिनिश हुई। इसके अलावा उन लोगों को पनिश किया जाना चाहिए जो करप्शन में इन्वॉल्व है, लोकपाल, लोकायुक्त या विजिलेंस कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस की मदद से। इसके अलावा डेली अकाउंटिंग होनी चाहिए वर्क की फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, मतलब कि
जो चपरासी है, क्लर्क है, वहां से लेकर जो हेड है, सेक्रेटरी है वगैरह, इन लेवल तक, लोअर से हायर लेवल तक क्या होनी चाहिए, डेली अकाउंटिंग होनी चाहिए। मतलब हिसाब लगाया जाना चाहिए कि टैक्स पेयर्स का पैसा कहां कैसे इन्वेस्ट हो रहा है। और इसके अलावा पर्सनल इंस्पेक्शंस जो है हायर ऑफिशियल्स के द्वारा रेगुलर बेसिस पे किए जाने चाहिए, ताकि सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो हैं उनके, वो हमेशा अपने काम के लिए अपने आप को अकाउंटेबल समझे। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो अकाउंटेबिलिटी जो है हमारे सिस्टम में इंश्योर की जा सकती है। अब एग्जाम्स में एज आई सेड, कोटेशंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करने चाहिए, ताकि आपका आंसर जो है वो दूसरों से थोड़ा डिफरेंट और ल्यूक्रेटिव दिखे। तो एक और कोटेशन लीजिए, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, बी अकाउंटेबल फॉर योर रिजल्ट्स, टेक ओनरशिप ऑफ योर मिस्टेक्स, ठीक है। या फिर अकाउंटेबिलिटी, इट इज नॉट ओनली व्हाट वी डू बट आल्सो व्हाट वी डू नॉट डू फॉर विच वी आर अकाउंटेबल। तो ये सेकंड वाला मुझे बड़ा पसंद आता है कि हम सिर्फ उसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है जो हम करते हैं, हम उसके लिए भी अकाउंटेबल हैं जो हम नहीं करते हैं, ठीक है। आई गेस स्पाइडरमैन की जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी वो यहाँ पर काफी अच्छे से फिट हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी का एक और कोटेशन, ये सारे कोटेशन मैंने अलग अलग लिखे हैं, तो जो आपको पसंद आ रहे हो वो कोटेशन आप यूज कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी वो ग्लू है जो क्या करता है, जो कमिटमेंट और रिजल्ट दोनों को क्या करता है, बांध देता है। क्योंकि अगर आप अकाउंटेबल हैं तो आप अपने रिजल्ट के लिए भी क्या रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, आपको पता है, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अब इसके बाद ट्रांसपेरेंसी। अब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ये दोनों कोई सेपरेट चीज नहीं है, दोनों की दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए तो आप कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को समझ पाएंगे। मतलब कोई भी चीज, चाहे वो कितनी ज्यादा क्या हो, छुपी हुई हो, तो भी क्या होना चाहिए, उसको खुले रूप में शोकेस करना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से, ट्रांसपेरेंसी मींस ओपननेस, खुलापन। दैट इज, सिटीजंस हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। व्हाट आई मीन टू से, मुझे बताइए, लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो जनरल सेशंस होते हैं वो हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? डेफिनेटली लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी पर हम देख सकते हैं। तो हम वहाँ देख पाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या डिसीजंस ले रही है, क्या पॉलिसी बना रही है, और वो किस तरह से गवर्नेंस जो है कर रही है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, तो ये तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी में समझेंगे, पर अभी के लिए समझिए कि अगर आपको गुड गवर्नेंस करना है तो अकाउंटेबिलिटी के साथ जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, चलिए आइए समझते हैं। देखिए ज़रा, ट्रांसपेरेंसी किसको लीड करती है, अकाउंटेबिलिटी को। सर मतलब थोड़ा बुकिश जा रहा है, तो देखिए ज़रा क्या होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है, चाहे वो किसी स्कीम से रिलेटेड हो, पॉलिसी से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी डिसीजन हो, तो वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। मतलब आपको पता रहेगा कि किसने डिसीजन लिया है, क्या लिया है। जैसे राफेल का जो केस था वो इतना हाईलाइट हुआ, तो हाईलाइट क्यों हुआ, क्योंकि जो क्या कहते हैं डिफेंस से रिलेटेड मामले होते हैं उनमें पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाती है और ना ही रखी जा सकती है। तो इसीलिए क्या होता है, वहां पर ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण क्या खत्म हो जाती है, जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी खत्म हो जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी क्या लाती है फ्यूचर में, अकाउंटेबिलिटी लाती है गवर्नेंस में। और अकाउंटेबिलिटी क्या लाती है, अकाउंटेबिलिटी पार्टिसिपेशन लाती है सिटीजन से। भाई जब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, गवर्नमेंट आपके प्रति अकाउंटेबल होंगे, तो आप भी तो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नेंस का ही पार्ट मानकर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और यही पार्टिसिपेशन क्या करता है, इंश्योर करता है किसको, डेमोक्रेसी की सक्सेस को, ठीक है। और एस्टेब्लिश करता है किसको, गुड गवर्नेंस को, ठीक है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है उनकी इंफॉर्मेशन जो है सबको क्या होनी चाहिए भाई, प्रॉपरली तौर पे अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी तो जो गोल है पार्टिसिपेशन का वो अचीव नहीं हो पाएगा, और डेमोक्रेसी जो है वो क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। उसी तरह से पब्लिक वेलफेयर का गोल क्या होता है, इजीली अचीव हो सकता है ट्रांसपेरेंसी से।
इसलिए ये नेसेसरी है कि हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में हर लेवल पे क्या हो, ट्रांसपेरेंसी जो है वो डिलीवर जो है की जाए। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों क्या है, ये पिलर्स है एक फ्रेंडली गवर्नमेंट के। अगर किसी कंट्री में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जैसे मैं अगर बात करूं नॉर्थ कोरिया की, तो वहां क्या हो जाता है, जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होती है। और जब गवर्नमेंट फ्रेंडली नहीं होती है तो उससे क्या होता है, लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के डिसीजन से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और इसी में क्या होता है, कहीं ना कहीं फिर जो विद्रोह वगैरह हम देखते हैं वो रिवोल्ट विद्रोह जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर की जाए, तो जो हमने पहले पॉइंट्स पढ़े हैं सेम टू सेम पॉइंट्स यहाँ भी आ जाते हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब RTI होना चाहिए। अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो एज सिटीजन्स हमारे पास राइट होना चाहिए कि हम पूछ सकें कि ये डिसीजन जो है क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा सिटीजन चार्टर, भाई हम लोगों को हमारे राइट्स जो है पता होने चाहिए, और मैंने जैसा कि बताया सिटीजन चार्टर में रहता है, और सिटीजन चार्टर में हम डिटेल में समझेंगे कि इसमें क्या होता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होता है, जिसका मतलब अगर कुछ आपके साथ गलत हुआ है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसको तो हम डिटेल में करप्शन में डील करेंगे। रोल ऑफ मीडिया, अब अवेयर मीडिया जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो अभी जो है, अभी रिसेंट में ही ये मुद्दा बना हुआ है कि हमारे जो स्पीकर हैं उनकी जो डॉटर है वो IAS कैसे क्या बनी है, तो इसमें मीडिया लगातार क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो चीजों को ट्रांसपेरेंट रखने में मीडिया क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि मीडिया क्या कर सकता है, हमारी तरफ से इवन सरकार तक से क्वेश्चन कर सकता है। IGS यू ऑल हैव हर्ड, पूछता है भारत, ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ट्रांसपेरेंसी जो है वो किससे प्रमोट की जा सकती है, और ई गवर्नेंस से। अब अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं तो RTO वगैरह में इसका काफी यूज हो रहा है, मतलब सारा पेपर वर्क क्या किया जा रहा है, डिजिटल किया जा रहा है। पहले क्या होता था भाई, चीजें डिजिटल ना होने के कारण कोई भी करप्शन करके थोड़ा पैसा खिला खुलू के कोई भी नंबर वगैरह ले लेता था, पर आजकल सब कुछ क्या हो गया, डिजिटल हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो उसमें एक प्रॉपर फीस जो है हर व्यक्ति को देनी पड़ती है, और उससे करप्शन क्या हुआ है, कम हुआ है। तो मोदी जी जो हैं वो ई गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा क्या है, फेवर में है। इसके अलावा विजिलेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए जाने चाहिए और एम्पावर किए जाने चाहिए जो क्या करें, जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए अगर कोई भी करप्शन कर रहा है, मतलब अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ एक्ट कर रहा है, तो उसको क्या करें, पनिश करें, उसको पॉइंट आउट करें। सीवियर पनिशमेंट जो है इसके अलावा दी जानी चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें, सो हमारे इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा होने का एक मेजर रीज़न क्या है, तो मेजर रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो है सीवियर पनिशमेंट्स नहीं होते हैं। अगर कोई करप्शन के चार्ज में पकड़ा भी जाता है तो वो बहुत माइन्यूट पनिशमेंट से क्या हो जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो सीवियर पनिशमेंट जो है लाए जाने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल ऑडिट होने चाहिए। अब इसके बारे में मैं अपने प्रीवियस सेशंस में एक बार बता भी चुका हूँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये जो स्कीम है इसमें क्या होता है, एक सोशल ऑडिट होता है जिसमें चेक किया जाता है कि भाई हमारे खजाने से जो पैसा निकाला जा रहा है वो किसी वर्क के लिए दिया जा रहा है कि ऐसे ही दिया जा रहा है। व्हाट आई मीन टू से इज कि जो मनरेगा स्कीम है इसमें क्या होता है, 100 डेज का वर्क दिया जाता है हर पर्सन को, ये एक राइट की तरह काम करता है। तो इसके लिए जो मॉनेटरी फंड रिलीज किया जा रहा है वो चेक किया जाता है कि भाई जो पैसा दिया जा रहा है उसके बदले में कोई काम हुआ भी है कि नहीं है। तो ये भी क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगा। इससे रिलेटेड भी एक अच्छा सा कोटेशन आप ले लीजिए ताकि आप एग्जाम में लिख पाए, अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिजल्ट्स इन डिस्ट्रस्ट एंड अ डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। अब देखिए,
अगर सरकार जो है जो भी वर्क कर रही है, पेंशन कर रही है, वो हमारे लिए तो कर रही है, तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि वो क्या कर रही है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो हमारा क्या होगा, ट्रस्ट खत्म होगा और हमारे अंदर क्या पैदा होगी, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी पैदा होगी। थोड़ा थोड़ा ऐसा ही माहौल जो है हमें नजर आने अपने आसपास लगा है, जिसके कारण हम क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो बड़े इजी फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी क्या है, 150 वर्ड्स में बताइए, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको देखिए आपको कैसे बताना है, मैं आपको फ्रेम बना के देता हूं। सबसे पहले इंट्रो दे दीजिए, इंट्रो में आप जो है गुड गवर्नेंस से कनेक्ट कर दीजिएगा, जैसा मैंने आपको किया था कि गुड गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी अचीव करने में हेल्प करते हैं वगैरह, आपको नोट्स में ये सब मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप डेफिनेशन दे दीजिए, डेफिनेशन के बाद इसकी इंपॉर्टेंस बता दीजिए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की, और फिर उसके बाद जो है वेज टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बता दीजिए। फिर उसके बाद कंक्लूड करने की वैसे कोई खास जरूरत है नहीं, बट आप चाहें तो फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नेचर का है। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, पर इंट्रो, डिफाइन इंपॉर्टेंस, वेज टू इंश्योर, ऐसा फ्रेम आपका होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें एक चीज प्रॉब्लम्स और डाल सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ना होने से क्या प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती है। तो मैं समझता हूं आपको अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी काफी अच्छे से क्लियर हो गया है। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्विसेज, जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के आगे आएगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।